हे गाइस, टेक्निकल भानु जी में आपका स्वागत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन सी अलमारी लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आपको मार्केट में बहुत सारी अलमारियाँ मिलती हैं, बट आपको समझ में नहीं आता कि आपके लिए कौन सी परफेक्ट है। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप अलमारी किस पर्पज़ से ले रहे हो, और दूसरा दोस्तों आपका बजट क्या है। दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप सबसे पहले अपने घर के लिए अलमारी ले रहे हो, तो अलमारी आपको मार्केट में दो तरह की अलमारी मिलेगी, ठीक है। पहली अलमारी दोस्तों जो आपने देखे होंगे, एक लोहे टीन की बनी होती है, और दोस्तों ये अलमारी आप जब लेने जाओगे तो दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। इसमें आपको ट्रिपल डोर भी मिलेंगे, सिंगल डोर भी मिलेगा, डबल डोर के भी अलमारी आपको मिलेगी। बट यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि लेना कौन सा है। बट यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि आपको अलमारी लेते वक्त ये याद रखना है कि आपके घर में उसे रखने के लिए कितनी स्पेस है, यानी कि कितनी जगह है। क्योंकि दोस्तों कई बार ये भी होता है कि हमारे घर में ऊपर लाभ बना होता है, और लाभ बनने के कारण हम अपनी अलमारी को ठीक से वहाँ फिट नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप अलमारी लेने जाएँ, तो आप ये बात याद रखें कि आप अपने अगर घर के लिए ले रहे हैं, तो जहाँ पर भी आपको उसको अलमारी को रखना है, उस जगह का पूरा भी एक नाप ले लें, इंच के हिसाब से ऊपर से और नीचे तक का पूरा एक नाप ले लें, और उसकी डेप्थ का भी हिसाब ले लें, और उस हिसाब से फिर आप अलमारी को सर्च करें, ठीक। यहाँ पे अलमारी के लिए एक बात और बता दूँ, आप जब अलमारी लोगे तो अलमारी यहाँ पे टीन के जो वजन रहता है उसके हिसाब से आती है। कभी कभी आपको एक जैसी अलमारी दोनों अलग अलग रेट में मिलेगी, यानी कि एक अलमारी का रेट 8,000 होगा, तो कहीं दूसरी अलमारी का रेट आपको 20-25 हज़ार के ऊपर भी मिल सकता है। वो कैसे? क्योंकि जो हम अलमारी खरीदते हैं, तो उसमें जो चादर लगी होती है टीन की, वो हैवी क्वालिटी की होती है, तो उसका रेट भी हैवी होता है। पतले चादर की होती है, तो उसका रेट कम का होता है। अब डिपेंड करता है कि हमें हैवी लेना है या सस्ती लेना है। दोस्तों, इसमें कोई टेंशन नहीं, आप कोई भी ले सकते हो, बट डिपेंड करता है कि अगर आप ज़्यादा हैवी लोगे तो वो भारी होगी और मजबूत भी होगी। बट अगर आप कम की भी लोगे, अगर आपका बजट कम है, तो आप कम की भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो भी इसलिए आप घर पर रख सकते हो, क्योंकि अलमारी का काम सिर्फ आपके कपड़े रखना है और आपके कुछ खास चीज़ों को रखने का है, ठीक है। तो आप दोनों को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके बजट के हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। आप दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, सिंगल डोर की अलमारी जो होती है वो कम स्पेस लेती है, डबल डोर की अलमारी में दोस्तों थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेती है, और ट्रिपल डोर की थोड़ी और ज़्यादा लेती है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब आप अलमारी लेने जाओगे, तो आपको मार्केट में दो तरह की अलमारी मिलेगी। एक तो आपको टीन चादर वाली अलमारी मिलेगी, दूसरी दोस्तों आपको लकड़ी की मिलेगी। लकड़ी की अलमारी दोस्तों वो भी दिखने में बहुत ही अच्छी होती है, बल्कि कंपेयर टू टीन की अलमारी में। दोस्तों वुडन जो अलमारी होती है, उस अलमारी में खास बात ये होती है कि वो दिखने में तो बहुत खूबसूरत होती है, बट लॉन्ग टाइम पर्पज़ के लिए अगर बात करोगे, तो वो शायद लॉन्ग टाइम के लिए आपको नहीं चल पाएगी। क्योंकि दोस्तों उसमें एक टाइम बाद, 10-15 साल बाद, अगर आप ये सोच लो कि हमें 10-15 साल के लिए अलमारी चाहिए, तो आप वो ले सकते हो वुडन की। बट वो 10-15 साल के बाद उसमें कहीं ना कहीं दीमक लगने लगती है, और उसमें हल्का सा पाउडर जो है निकलने लगता है। और उस अलमारी में देखो एक चीज़ है, जब आप मार्केट जाते हो लेने, तो जो वुडन वाली जो अलमारी होती है, और जब हम उसे खरीदते हैं, तो जो शॉपकीपर होता है इसे पूरा खोल करके आपके घर में ला के फिट कर देता है। एक तरह की फोल्डिंग अलमारी है ना, पूरा नट्स इसको खोल लिया जाता है और घर में ला के आपके फिट कर दिया जाता है। तो ये अलमारी का एक फ़ायदा ये है, बट ये सेफ्टी पर्पज़ से नहीं है। आप इसमें अपने जेवर नहीं रख सकते हो, क्योंकि भाई खुल जाती है इजीली, और लकड़ी की है तो वुडन की आपको समझना होगा, क्योंकि वुडन की इतनी मतलब आपके लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि जो टीन की होती है वो पूरी पैक परफेक्ट रहती है, बट वुडन की उतनी नहीं रहती है। बट हाँ, दिखने में अगर कंपेयर करें तो वुडन की सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। अब दोस्तों आपको दोनों अलमारी के बारे में समझ में आ गया। अब दोस्तों आते हैं हम एक तीसरी अलमारी के बारे में, जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है। दोस्तों अगर आप एक रेंट पे रह रहे हो, ठीक है, अगर आप एक किराए के मकान में रह रहे हो, और अगर आप एक अलमारी ढूंढ रहे हो, और आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे कैसी अलमारी चाहिए जिसे मैं बस कुछ टाइम के लिए रख लूँ, और फिर मेरे को रूम चेंज करना पड़े, तो मुझे झंझट ना हो अलमारी उठा के ले जाने के लिए, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगा, आप ना तो ये अलमारी लो, ना तो ये अलमारी लो। कौन सी? ना तो वुडन वाली लो, ना तो टीन वाली लो। आप कौन सी लो? एक दोस्तों एक ऑनलाइन अमेज़ोन पे बहुत सस्ती अलमारी मिलती है, जो फोल्डेबल अलमारी जिसे हम बोलते हैं। दोस्तों ये अलमारी सभी स्टूडेंट्स के लिए है, और उन सभी लोगों के लिए जो एक किराए के मकान में रहते हैं, जो बार बार रूम चेंज करते रहते हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसी अलमारी आप अपने हाथों से बना सकते हो, हाथों से बनाने के बाद उसे बस डेकोरेट करके रख सकते हो, और उसमें अपने कपड़े रख सकते हो, सब कुछ रख सकते हो। और दोस्तों अगर आपका कोई बच्चा भी जन्म लिया है, तब उसके लिए भी अलमारी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों इस अलमारी की बात करें तो उस अलमारी का प्राइस बहुत कम है, ये आप हमसे भी खरीद सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर आ रहा होगा, उससे आप हमें कॉन्टैक्ट करके ये अलमारी हमसे खरीद सकते हो। बट अगर हमसे नहीं खरीदना, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको मैंने इसकी अमेज़ॉन की लिंक दिया है, वहाँ से वैसे आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। इस अलमारी का फ़ायदा आपको यही होगा कि अगर आप कहीं रेंट पर रूम लेके रह रहे हो, तो जब भी आपको रूम खाली करना पड़ेगा, तो बस आप उस अलमारी को पूरा खोल लो, और खोल के उसे पूरा का पूरा शिफ्ट कर दो।
अगर बड़ी अलमारी लेते हो तो दोस्तों शिफ्ट करने में बहुत तकलीफ होती है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, नॉलेज मिल गया होगा कि आपको कौन सी अलमारी आपके लिए सुटेबल है। अगर आपको कुछ भी वीडियो में पूछना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।